और पितरों के लिए आयोजित की है। पितृ हमारे वो वृद्ध हैं जो हमारा परमात्मा से संपर्क जोड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं हमको। ये कथा आपसे उनको तृप्ति प्रदान कर रही है। भारत में श्राद्ध की व्यवस्था इसीलिए की है। आप कैसे कट सकेंगे उनसे जिनके आप अंश हैं, जिनके आप वंश हैं। आज अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, घर परिवार में बड़े बूढ़ों का मान करिए। आइएगा चेहरों पे उदासी, जिंदगी खामोश क्यों, खो चुके ये आज अपना जोश क्यों, लेकर बुजुर्गों की विरासत का सहारा, फिर भी देते हैं इन्हें सब दोष क्यों, फिर भी देते हैं इन्हें सब दोष क्यों, फिर भी देते हैं इन्हें सब दोष क्यों। अकेले आज क्यों और क्यों हैरान है, सब गाइए। अकेले आज क्यों और क्यों हैरान है, देवताओं की तरज का यहाँ मकाम है, का कोई नाम दे दीजिए, कोई रिश्ता दे दीजिए। ये माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं। समझिए सज्जनों देवियों, आज भारत के घरों में ऐसे दृश्य देखना मिलते हैं। क्यों हमारे बुजुर्ग इतने अकेले हो गए हैं? घर में इतनी भीड़ है, आयोजन होते हैं, लोग बाग आते हैं, आप दिन भर इतने लोगों से मिलते हैं। आप कल्पना करिए, आपके घर का बड़ा बूढ़ा बहुत अकेला हो गया है, और बुढ़ापे में यदि किसी का जीवन साथी चला जाए, उसके लिए तो लगता है जैसे नरक हो गया। किसी के पास समय नहीं है कि बड़े बूढ़ों के पास बैठ के दो बोल बोल ले। ऐसा क्यों हो गया सज्जनों देवियों? भीड़ में इनको क्यों अकेले छोड़ दिया गया है? क्या ये भारत के घरों के लिए ठीक है? वो क्यों अकेले और अलग से आज है, सब गाए। क्यों अकेले और अलग से आज है, जो हमारी जिंदगी के गीत की आवाज है, जो हमारी जिनसे जुड़ी बचपन की सुबह और रंगी शाम है, मां दादा दादी नाना नानी नाम है। अकेले आज क्यों और क्यों हैरान है,
आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं, 2013 में भारत में 10 करोड़ वृद्ध लोग हैं। आज भारत में राष्ट्रीय स्तर पे, सरकार के स्तर पे, समाज सेवा करने वाली संस्थाओं के स्तर पे कई बात की चिंता पाली जाती है कि 10-15 साल बाद पेड़ का क्या होगा, जल का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, धंधे पानी का क्या होगा। कभी आपने सोचा है 2013 में 10 करोड़ वृद्ध लोग 2030 में 20 करोड़ हो जाएंगे? जिस देश में 20 करोड़ वृद्ध होंगे उस देश में क्या इस बात पे विचार किया जा रहा है कि क्या वृद्धावस्था शांति से अपना जीवन का समापन कर पाएगी? क्या उनको वो सम्मान, वो प्रेम मिलेगा जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी झोंकी होगी? और उसमें हम और आप भी होंगे। ये छोटी बात नहीं है, ये संस्कार और संस्कृति की बात है, ये धर्म की बात है। विचार करिए, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जिनसे हमारा बचपन जुड़ा है, जिनसे हमारा अतीत जुड़ा है, जो आपकी सुबह रंगीन हुई होगी, जो आपकी शाम मस्तानी हुई होगी, उन्होंने अपनी सांसें दी होगी इसको। एक बार हंसता खेलता देखने के लिए हमारे माता पिता ने क्या नहीं किया होगा। कभी वो राजा बन गए हमारे लिए, कभी वो रंक बन गए, कभी आबाद हो गए हमारे लिए, कभी बर्बाद हो गए। और जब वो बूढ़े हो गए तो संतानें उनको ऐसे बुला दे, ये तो भगवान की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है। हमको हंसता खेलता बस देखने के वास्ते। सब गाइए। खुशियां बांटने के वास्ते, रोए हम तो हम को खुशियां बांटने के वास्ते। राजा कभी रंग बने इनके निराले काम है, राजा कभी रंग बने इनके निराले काम है। माँ पिता और दादा दादी, नाना नानी नाम है। अकेले आज और क्यों हैरान है, अकेले आज क्यों और क्यों हैरान है। देवताओं की तरह जिनका यहाँ पे मुकाम है, देवताओं की तरह जिनका यहाँ पे मुकाम है। माँ पिता और दादा दादी, नाना नानी नाम है। बात पे ध्यान दीजिएगा, देखते ही देखते भारत के परिवार छोटे छोटे और छोटे होते जा रहे हैं। केवल छोटे हो जाएं उसमें दिक्कत नहीं है, परिवार छोटे होने से रिश्तों की समझ जाती जा रही है। कुछ संबोधन तो परिवारों से समाप्ति हो गए, काका काकी, बुआ मौसी, नई पीढ़ी के बच्चे ये संबोधन नहीं जानते, अंकल और आंटी में दुनिया सिमट गई। रिश्तों की समझ जा रही है, इसका बहुत बड़ा खतरा आएगा। परिवार का वातावरण व्यावसायिक हो गया, बाहर की दुनिया में आप धंधे पानी की बात करें लेकिन अपनों से अपने सौदे करने लग गए घर में। लोग इतने व्यस्त हुए, इतने व्यस्त हुए कि परिवार में सक्रियता आई, सरलता जाती गई,
जो परिवार समर्पण से चला करते थे, उन परिवारों में बात बात पे सौदे होने लग गए सज्जनों देवियों। जिसे देखो वो अकेला हो गया, और ख़ास तौर पे बड़े बूढ़े तो बहुत अकेले हो गए। ये ठीक नहीं है। कई घरों में लोग तीर्थ करते हैं, कथा करते हैं, पूजा करते हैं, घर में भगवान बैठाते हैं, और घर के बड़े बूढ़े बीमार हो जाएं तो सेवा नहीं कर पाते, बोल भी नहीं पाते। कई बार तो बड़े बूढ़े डरते हैं, बोलेंगे तो साया उड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो ना, चाहे माता पिता, दादा दादी, नाना, कभी बीमार हो जाए और आपको अपने हाथ से उनको रोटी खिलाने का अवसर हो, तो जरूर कौर अपने हाथ से उनके मुंह में देना। जिस दिन आप अपने किसी असहाय बड़े बूढ़े को अपने हाथ से भोजन कराएंगे, परमात्मा कहेगा मुझे भोग लगा दिया, कुछ नहीं चाहिए। वृद्धा अवस्था में शरीर दो कदम नहीं चल पाता, जिस दिन किसी असहाय बूढ़े को हाथ पकड़ के घर में चला दें, भगवान कहेगा तूने तीर्थ यात्रा कर ली, मत जाना जिंदगी भर कहीं, मैंने स्वीकार कर दिया। जिस दिन किसी बड़े बूढ़े का असहाय शरीर शैया पे मलमूत्र विसर्जित करे और आपको अपने बड़े बूढ़े का मलमूत्र साफ करना पड़ जाए, कर दीजिएगा। परमात्मा कह देगा मुझे इससे बड़ी शुद्धि नहीं चाहिए। आज घरों में कई बार ऐसा लगता है इस गुजरती पीढ़ी को क्या ऐसे विदा कर देंगे भारत के लोग, ये न करिएगा। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, चाहे मंदिर में घंटी बजे, आप आरती करें, सब बेकार है। बड़े बूढ़ों की यदि सेवा नहीं की तो भगवान स्वीकार नहीं करेगा। मंदिरों की घंटियां बजती है क्यों ये क्या पता, मंदिरों की घंटियां बजती है ये क्या पता, और क्या होती है तीर्थ यात्रा ये क्या पता, अकेले आज क्यों और क्यों है।